यदि आपके पति आपकी बात सुनते हैं तो आपकी मायके को उसका सम्मान वापस दिलाइए। राव से कहिए कि वो अभी मोहन राव से क्षमा मांगे। काशी भाई, आपको क्या लगता है मैंने जो किया गलत किया? गलत कहा? नहीं राव। तो फिर आप जो कहने आई है मत कहिए, क्योंकि आपकी बात टालना कठिन है और मानना असंभव। आपको कैसे पता हम आपसे क्या कहने आए हैं? आप भले ही छुपे पर आपकी आंखें शोर मचा रही है। मैं अच्छे से जानता हूं कि आप चाहते हैं मैं मोहन राव से सुलह कर लूं। जब आप अच्छे से जानती है मेरी कोई गलती नहीं है, फिर मोहन राव से माफी क्यों मांगू मैं? हमारे लिए राव, हम जानते हैं अब गलत नहीं है राव, पर वो हमारे भाव है, इस समय हमारे अतिथि भी। आपके और उनके बीच जो कुछ भी हुआ उससे हमारे परिवार का अपमान हुआ है। हमारी आई रो रही थी। व्यक्ति के सम्मान से अधिक परिवार का सम्मान होता है राहु। कि आप हमारे लिए, हमारे आई बाबा के लिए उनसे सुलह नहीं कर सकते। हम जानते हैं आप मोहन भाव से सहमत नहीं है, पर थोड़ी देर के लिए अपनी पत्नी के लिए अपने आदर्शों को भुला नहीं सकते। राव, हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे पति और हमारे परिवार के बीच कोई मतभेद ना रहे। क्या आपके ऊपर हमारा इतना भी अधिकार नहीं है राव? सत्य तो ये है काशी कि विवाह के इतने वर्षों बाद भी तेरा स्थान नजावाई बापू के जीवन में और न हृदय में। आ गए आप? बस बस, आना तो था ही। पेशवा साहब का उत्सव जो है, जिस उत्सव के आमंत्रण में ही उपहार मिलते हो वहां भला कौन नहीं आना चाहेगा? किंतु तुम्हें, तुम्हें तो तमाशा करने का शौक है बिहू भाई। ये जानते हुए भी कि हम आने वाले हैं, हमें बुलाने के लिए संदेश वाहक भेज दिए। आप अभी तक आए नहीं थे, मुझे लगा शायद आप मतलब इतने बड़े उत्सव में आप इतनी देर से आए तो लोग क्या सोचेंगे? लोग कुछ भी सोचें, कुछ भी कहें, हमें परवाह नहीं। और मेरे परिवार वाले, मेरे मायके वाले क्या सोचेंगे? उसकी भी परवाह नहीं? उनकी तो विशेष तौर पर परवाह नहीं। अरे, हम जावई बापू हैं, मायके वालों का कर्तव्य है कि हमारी प्रतीक्षा करें। बहुत देर कर दी आपने आने में जावई बापू। आपका अपना घर है, आपका अपना उत्सव है, और आप हैं कि अतिथियों से भी देर में आए हैं। देखिए ना, इसमें भी दोष आपकी पुत्री का है आई साहेब। इन्होंने हमें आने का समय ही गलत बताया। हमें तो यह पता था कि उत्सव कल है, और फिर अपनी गलती छुपाने के लिए इन्होंने हमें बुलाने के लिए संदेश वाहक भेज दिया। अब देर से आने का यह दंड है कि जवाई बापू को अंदर भी नहीं आने दिया जाएगा। या जावई बापू यात्रा करके आए हैं, उन्हें तैयार होने में मदद करो। भीव, भाऊजी को मैं तैयार करता हूँ, आप इनके जलपान की व्यवस्था कीजिए। या
या तो हमारी पुत्री है। विवाह के इतने वर्षों के बाद ही सही, लेकिन आप सीख ही गई कि पति को काबू में कैसे रखा जाता है। आज मस्तानी के कारण हमारे प्राण तो बच गए पर सम्मान मर गया। इन्हें लगता है कि मुगलों का लोहा इतना मजबूत है कि वो जगत राज को बांध कर रख सकते हैं। हम तो कुछ ही समय में स्वतंत्र हो ही जाते मासा और तलवारों के साय में बाहर आते, औरतों के आंचल की छांव में नहीं। भाई साहब, हमारे लिए बड़ी बात यह है कि आप सही सलामत घर लौट आए। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपको किसने बचाया है? फर्क पड़ता है, पड़ता है फर्क। आपने हमारी सहायता करके हमारी मर्दानगी को अपमानित किया है। तब लड़कर आजाद होते या आजाद होने के प्रयास में मारे जाते, और एक औरत से आजादी की भीख नहीं मांगते। आपने हमें, हमारी तलवार और हमारी मर्दानगी को अपमानित किया है। हमने तो सिर्फ एक बहन होने का फर्ज निभाया है। बहन? राजे रजवाड़ों की बहुत सारी संतानें होती हैं मस्तानी, रानियों से भी और ऐसी वैसियों से भी। पर हर संतान का दर्जा बराबर नहीं होता। आई बड़ी भाई बहन का संबंध जोड़ने वाली। राजघरानों में संबंध रक्त से जुड़ते हैं। जिसके रक्त में ही दोष हो उससे नहीं। इसीलिए हम तुम्हें वहां जाने से रोक रहे थे। अब ये नाटक करने का कोई फायदा नहीं सुरैया बेगम। आपको अपनी बेटी को पहले ही समझा देना चाहिए था कि आप दोनों इस महल में अपने अधिकार के कारण नहीं, हमारी कृपा के कारण हैं। हम इस महल में इतने तन्हा हैं कि हमसे मिलने बहुत भी नहीं आते। बस चुप हो जाइए। हम जानते हैं कि हमारी बेटी होश से नहीं जोश से काम लेती है। उसका फैसला बने गलत था, लेकिन उसका अंजाम गलत नहीं हुआ। वो अपने भाई को बचा कर लाई है। तो क्या बुंदेलखंड में बेइज्जती ही बहादुरी का इनाम है? क्या आप में से कोई कुछ नहीं बोलेगा इसके बारे में? हम बोलेंगे सुरैया बेगम। वाकई आपकी बेटी की इस महल में कोई कदर नहीं है, तो अच्छा होगा कि आप इसे भेज दें। मतलब ये कि कन्या का असली घर उसका ससुराल होता है। अब आपको भी विदा हो जाना चाहिए मस्तानी। रानी सर, आप चिंता मत कीजिए सुरैया बेगम। काकाजू के पास अब भी इतना धन और प्रभाव है कि एक मुसलमान माँ की कोख से जन्म लेने के बाद भी
मस्तानी को अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। अब जब मस्तानी ने बहन का रिश्ता जता ही दिया है तो हम भी भाई का कर्तव्य निभाएंगे और मस्तानी के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढ कर लाएंगे। चल जाता तो आग को आग नहीं जलाती काशी भाई। आपने जो किया उसके लिए हम आपको धन्यवाद कहने आए थे। आप मेरी पत्नी हैं और मोहन राव आपके भाई। पति होने के नाते आपके संबंधों का सम्मान करना ये मेरा कर्तव्य है। मैंने बस अपने कर्तव्य का पालन किया है। मोहन राव से मैंने जो कुछ भी कहा उसका मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, पर मेरे कारण आप और दुविधा में पड़ गई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नीचे मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए क्षमा कर दीजिए मुझे। नहीं राव, देवा देवा, आप हमसे क्षमा मांगकर हम पर पाप मत चढ़ाइए। आप कभी कोई ऐसा काम ही नहीं कर सकते राव जिसके लिए आपको कभी हमसे क्षमा मांगनी पड़े। अब हमें नीचे चलना चाहिए। आबाजी पधार चुके हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चलिए। मलार, भाऊजी को बूंदी का लड्डू खिलवाओ। ये बूंदी का अंतिम लड्डू है जो तुम इस वक्त खा रहे हो गोटिया। क्या बात है बियू? कुछ नहीं भाव। तुम्हारे और भाऊजी के बीच की समस्या है, तू छुपाती क्यों है? आईने से कहा है कि पति की शिकायत भगवान से करते हैं, भाव से नहीं। बचपन में हमारी बियू अपने दूध के दांतों से लेकर अपने गुड़िया के विवाह तक हर बात हमें बताती थी। अब वो इतनी बड़ी हो गई कि हमसे बातें छुपाने लगी। भी एक लक्ष्य अट्ठे हो, नए रिश्ते जुड़ते हैं तो पुराने टूटते नहीं है। तुम्हारा विवाह हुआ तो क्या हुआ, हम अब भी तुम्हारे भाऊ हैं। अपनी सुख दुख की बातें तुम हमसे और भाऊ से नहीं बांटेगी तो किससे बांटेगी? तूने अपनी समस्याओं के बारे में भाऊ से बात की है? नहीं चिमा भाऊ, और आप वचन दीजिए कि आप भाऊ को कुछ भी नहीं बताएंगे। आप तो जानते हैं उनके क्रोध को, अगर भाव को कुछ भी पता चल गया तो वो पता नहीं इनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अभी अभी भाव और वहिनी की गृहस्थी सामान्य होनी शुरू हुई है। मैं नहीं चाहती कि मेरी समस्याएं भाव को परेशान करते। ठीक है, हम भाव को कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपनी समस्याएं हमें बतानी होगी।
राजघरानों में संबंध रक्त से जुड़ते हैं। जिसके रक्त में ही दोष हो उससे नहीं। आप चिंता मत कीजिए सुरैया बेगम, काका जी के पास अब भी इतना धन और प्रभाव है कि एक मुसलमान माँ की कोख से जन्म लेने के बाद भी मस्तानी को अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। आपका आपकी अम्मी को अपने ही परिवार के हाथ तो इतना अपमान क्यों सहना पड़ता है? जिस भाई को आपके मान सम्मान की रक्षा करनी चाहिए वो आपको इतना तिरस्कृत कैसे कर सकते हैं? आप क्यों कुछ नहीं बोलती हैं? गम जितना गहरा होता है उतना ही खामोश होता है चंदा। गम तो उसका तोहफा है और हम आंसू बहाकर उसके तोहफे की तौहीन नहीं कर सकते। उन्होंने जो दिया सर आंखों पर। आप रानी सा राजकुमार को जानती हैं ना? आपने उन्हें दिखा दिया है कि आप उनकी बेटी से कम नहीं है। उन दोनों के अहम को ठेस लगी है मस्तानी साहिबा, और वो आपके लिए बुरे से बुरा रिश्ता ढूंढेंगे। आपको डर नहीं लगता कि आपका विवाह किसी गलत व्यक्ति से हो गया तो? आप जैसी सुंदर और वीर कन्या को भगवान ने ऐसा भाग्य क्यों दिया? जो लोग अपने नसीब को कोसते हैं ना चंदा, उनकी नसीब भी उन्हें कोसती है। हम बदनसीब नहीं हैं और ना ही कभी होंगे। रिश्ते भले ही जमीन पर जुड़ते हैं पर तय आसमान में होते हैं, और हमें पूरा यकीन है खुदा ने हमारे लिए जिसे चुना होगा इस दुनिया में वैसा दूसरा कोई नहीं होगा। क्या सोच रहे हैं राहु? पूर्णिमा बीत रही है और अमावस आने वाली है आई साहिब। मतलब? माधोश्री की वापसी मुगलों के लिए बहुत बड़ी पराजय है। इतनी बड़ी पराजय के बाद वो शांत नहीं रहेंगे, अवश्य कोई आक्रमण करेंगे हम पर, और हमें हमेशा की तरह उनसे दो कदम आगे चलना होगा। हम यहाँ उनके लौटने की प्रतीक्षा करते रहते और ये आती रणभूमि में लौटने की प्रतीक्षा करते। राहु, हम आपसे नाराज थे पर आपने जो काशीबाई के लिए किया उसके बाद हमने आपको क्षमा कर दिया। उनके मायके के सामने उनका सम्मान करना ये हमारा कर्तव्य है आई साहिब, हमने बस वही किया। आप जानते हैं आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप उनका सम्मान करने लगे हैं। याद है आपके विवाह के पहले हमने आपसे कहा था, पहले मन में सम्मान आता है फिर मित्रता फिर प्रेम। आपके मन में पहला भाव आ गया है। हम जानते हैं आप रणभूमि में जाने को उतावले हो रहे हैं, पर हार जीत केवल रणभूमि में नहीं गृहस्थी में भी होती है। पेशवा साहब को ठीक होने में थोड़ा समय है, तब तक आपके पास काशीबाई को समझने का थोड़ा और समय है। हमें विश्वास है इस समय में आप दोनों का रिश्ता और गहरा हो जाएगा। जी आई साहब। इस बार हमें सिर्फ आपसे जी आई साहब ऐसा नहीं सुनना है, हमें इस परिवार के लिए एक वारिस चाहिए।